क्या सुहानी सुहाना मौसम, एकदम धूप नो बरसात। ओहो वाह वाह वाह, आज बाहर निकलेंगे। अरे भाई भाई भाई, रुको। सो गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को, वेलकम टू द व्लॉग 35 है ना, एक मिनट, आज है व्लॉग नंबर 36, 36, 36। आज है 29 जून, मंगलवार के। पुराने सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर, जो भी हो, बस देख रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, तो मतलब वो तो चलो छोड़ो भाई, वो तो लास्ट में देखेंगे। अभी आ ही गए हो तो काम खत्म करते हैं, बहुत सारा काम सीधा, और बिना कोई ताम झाम, बिना कुछ चाँव चाँव पाँव पाँव किए सीधा ऑफिस चलते, बारिश नहीं है, काम खत्म करते और टेंशन फ्री हो जाते फिर तो भाई। और थोड़ा घूमेंगे भाई, ऐसा नहीं, बाइक में अपने मित्र सखा अपने पापा के साथ जाएंगे, अपना दोस्त अपना पप्पा उनके साथ चलते, और मौज जलसा आज भाई फुल। चलो टाटा, मशीन से देख लो, ये तो वैसे भी डेडिकेटेड वीडियो एक दिन बनाएंगे, पर तो भी कल ऐसे ही। और देखो ये कितने बड़े बड़े, ये सब इसको पकड़ते, इसको लाते, ढकेलते, वो देखो नीचे व्हील है, उसको लेके इसमें लगाते, फिर नीचे लेके जाते इस। और भाई थोड़ा तो या शॉपिंग, ये पुराने मशीन्स ऐसे थे, ये देखो ये रहे, और ये अपडेटेड चाइना मशीन्स बोलते इसको। और नीचे जो अभी तो खगड़ा खगड़ा आवाज आ रहा है ना, ये वाला अपडेटेड मशीन है रेपियर है ना, और क्वालिटी के लिए सब बैर करेंगे। मेरा फ़ोन थोड़ा दूसरा वाला कोई और पे यूज़ है, करते बात। रास्ते पे कभी निकाल के देखी कितना टफ लगता है, ये वाले यहाँ पे लग रहे कैमरा में, रियल लाइफ में तुम देखोगे तो भाई ये देखो, इसमें कभी एक बार जरा आओगे भिवंडी तो बताना मैं लेके आऊँगा ये रास्ते पे। लिए वहाँ तो तुम्हें इंटरनेशनल लाइसेंस मैं दिलवाऊंगा इतना ज़बरदस्त रास्ता है, मतलब कश्मीर के पहाड़ चढ़ रहे हो ऐसा एकदम झनझनीत। ये सब कब गिराया मुझे भी नहीं पता, ये सब अभी गिराया, ये अभी गिराया, मेट्रो बन रहा है ना इसलिए गिराया, नहीं तो ये दो दिन पहले अभी तो मैं देख के गया था ये, और ये हमारी फेमस भिवंडी की टॉकेज बहुत फेमस थी, अब नहीं चलती 10-15 सालों से। और ये ट्रैफिक भाई, कब मेट्रो बनेगी, कब शांति मिलेगी देख लो। ये एक साल में 2 साल में यहाँ तक पहुँचा दिया, मतलब समझो कितना किलोमीटर पापा, 5 कि 4, 10 किलोमीटर तक ये इतना लंबा पूरा बना लिया, लगे हाथ चलते चलते बता भी देते थे। फेमस वड़ा पाव हमारा कहाँ गया भाई, द विजय वड़ा पाव, और हमारी और एक स्कूल, स्कॉलर स्कूल, ये रहा विजय वड़ा पाव, ये रहा भाई, ये रहा विजय वड़ा पाव, और ये स्कूल कहाँ गई छोड़ो। ये ब्रिज गिरा देने की बात चल रही है मेट्रो में, अभी चल रही है, अभी गिरा नहीं सकते, ये वाला ब्रिज गिरा देंगे तो भाई आजू बाजू वाले कहाँ हवा में रहेंगे, आसमान को छूने चले। अरे यहाँ पे ये नॉर्मल है, कभी भी बीच रास्ते में तो टर्न मार लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये देखो है ना भाई एकदम बिंदास, तो टर्न मार लो कभी भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग अभी जा रहे कपड़ों के माया नगरी में, जहाँ पे मतलब कपड़ों का मतलब जहाँ पे बोलते ना, और मैं जहाँ रहता हूँ वो लिटरली मिनी दुबई ही बोलते थे एक ज़माने में, कपड़ों का कारोबार है भिवंडी में, कपड़े ही कपड़े, सिर्फ कपड़े, हम लोग मैं वहाँ पर जा रहा हूँ।
जगह जो हम लोग घूम रहे हैं उसको बोलते हैं लाहौटी। यहाँ पे मतलब कपड़े जो होते हैं उसको होलसेल पे रिटेल पे कैसे भी उठा सकते हैं, मतलब पूरा भिवंडी वैसे कपड़ों का है, बट यहाँ पे एक स्पॉट बोलते हैं ना वैसी एक स्पॉट है। ये देखो अभी जस्ट गिरे हम दोनों, ये देखो ये ऐसा होता है, ये देखो सच में गिरे लगा ये वाला यहाँ पे ऐसा लगा है, देखो तो उनको कैसी लगी होगी। पापा को लगा है अभी भी, पर वो बोल नहीं रहे, बोला व्लॉग में मत डालना, पर मैं तो डाल के रहूँगा क्योंकि पता नहीं क्यों। अगर कुछ इसके बाद बोलना भी नहीं बनता तुम्हें भी पता है। अभी वीडियो मतलब इसके बाद कैमरा ऑन रह चुका था, तो इसके बाद और चीज़ें हुई, लोगों ने हमारी हेल्प करी थोड़ा बहुत, वो क्लिप ऑटोमेटिक चालू थे तो वो शूट हुई। और झूठ नहीं कहूँगा, इसके बाद पापा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं और ब्लॉगिंग कर रहा था, उन्हें अलग अलग जगह पर भी वहीं पर लेके गया, काम भी ख़त्म किए छोटे मोटे, वो कल ब्लॉग में आ जाएगा क्योंकि आज सिर्फ इसी का सिखाने के लिए, और कल वाला व्लॉग फिर से एंटरटेनमेंट वाला रख देंगे। सो कहना यही था, मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि ये व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं ही होगा, बट थैंक टू आई एम अपलोडिंग दिस व्लॉग, मैं डाल ही इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी को ये पता चला कि एक सेकेंड से भी कम देर लगती है। जैसे ही इंसिडेंट हो गया, हम हंसते खेलते जा रहे थे ना व्लॉग में, तो देखे थे मैं स्क्रिप्टेड तो करूँगा नहीं, और करूँगा भी तो भाई मतलब मेरे पापा के साथ तो मैं नेवर एवर, और मैं करूँगा भी क्यों यार। एक मिनट, मेरी बड़ी मम्मी जो ऑफ हो गई थी, उनको एक हफ्ते में पूरा, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, और ये हमारे साथ हंसते खेलते ही जा रहे थे हम, पर कैसा हो गया अचानक से, मतलब उतना कुछ मेजर नहीं हुआ बट हुआ ना। हम बस यही कहना था कि कोई देरी नहीं लगती, और मेरा काम ही यही कि मैं एंटरटेनमेंट हर बार एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा अभिमान कम करने भी सिखाऊं। ये वाला व्लॉग में मैं नहीं कहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, खाली मैं यही कहूँगा कि अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ कॉन्टेक्ट में रहो, साथ में रहो, सब कुछ करो, ज़िंदगी में बड़ा नाम करो बट कांटेक्ट में रहो। कोई गाड़ी खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, तुम्हारे बच्चे उसमें ऐश करेंगे, जिसके लिए तुमने किया था, जो तुम्हारे लिए बसों में साइकिलों में घूमते थे वो ही नहीं रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो उनके साथ रहो, आज कुछ नहीं करने बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, खाली शेयर कर देना बस। शेयर भी इसीलिए क्योंकि ये लोगों को पता चले कि हंसते हंसते भी ध्यान देना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए, नहीं तो एक पल लगता है बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, क्योंकि बट सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। कल ये वाला व्लॉग जब कंटिन्यू होगा तब एंटरटेनमेंट आ जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, बट लगता है एक पल बदलने में अभिमान कम कर और प्यार में बदलाव कर, पापा मम्मी भाई बहन दोस्तों को एक साथ कर, चाहे ज़िंदगी में जो भी हो जाए, दर्द दुश्मन या दगाबाजी, सबको भुला कर खुद हंस और दूसरों को हंसा, बस यही एक कर्म कर, साथ देते रहना और प्यार बरसाते रहना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, भूलना नहीं, सबके साथ रहना। हटे जाओ बाहर, नहीं लगा नहीं, हाँ भाई ऊपर वाले का मेहरबानी, अच्छा भगवान का कुछ ज़्यादा थैंक यू सभी को, ये वाले को वांदा नहीं है, आराम आराम दिन दिन हमारा जैसे आंजन और ले पाता है, थैंक यू सभी को, शुक्रिया।